हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त विजय। और दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी नासा की शुरुआत आज से 66 सालों पहले हुई थी। लेकिन क्या आप मानोगे कि इन 66 सालों में नासा एक ढंग का स्पेस सूट तक नहीं बना पाया, बल्कि रिसेंटली एक ऐसा शॉकिंग अपडेट आया है कि नासा अपने स्पेस सूट को रेंट पर लेने वाला है। यस, क्योंकि 17 साल की मेहनत और $420 मिलियन खर्च करने के बावजूद अब तक नासा फ्लाइट रेडी सूट नहीं बना पाया। लेकिन अगले 3 सालों में ही आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत नासा अपने एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजने का प्लान तो बना रहा है, और मोस्ट प्रोबेबली एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ही नासा को अपने स्पेस सूट रेंट पर देगी। स्पेस एक्स के स्पेस सूट मौजूदा नासा के स्पेस सूट से 10 गुना ज्यादा बेहतर है। लेकिन सवाल ये है कि मस्क साहब ने ऐसी तो क्या टेक्नोलॉजी बना ली जो आज तक नासा डेवलप नहीं कर पाई, जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले नए व्यूअर्स जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नासा के स्पेस सूट स्ट्रगल की शुरुआत होती है 1960s से, जब उन्हें अपने एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर भेजना था। उस वक्त अंडरगार्मेंट्स बनाने वाली कंपनी आईएलसी डोवर ने सिर्फ 6 सालों में नासा के लिए स्पेस सूट डिजाइन कर लिया था, और नासा ने उनसे 18 स्पेस सूट खरीदे थे। और उसी स्पेस सूट को पहनकर एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन ने चांद पर पहली बार कदम रखा था। तब से लेकर आज तक देखा जाए तो 60 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन नासा अपना नया स्पेस सूट नहीं बना पाई है, बल्कि उन्हीं स्पेस सूट को रिफर्बिश करके, यानी कि फटी हुई जगह से रफू करके अपने एस्ट्रोनॉट्स को पहनने के लिए देती आई है। लेकिन अब दिक्कत यह है कि उनकी स्पेस सूट की टेक्नोलॉजी काफी पुरानी हो चुकी है, और नासा के पास अब 18 में से सिर्फ 4 ही स्पेस सूट बचे हुए हैं। इसी वजह से ही साल 2007 में नासा ने स्पेस सूट डिजाइन प्रोग्राम शुरू किया, जिसमें आज तक वो $420 मिलियन फूंक चुके हैं। लेकिन एक बढ़िया सा स्पेस सूट अब तक बनकर तैयार नहीं हुआ है, जो देख नासा के वैज्ञानिकों ने सोचा कि भाई, जहां इसरो और जापान के एरोस्पेस जैसी नई स्पेस एजेंसीज इतने सस्ते में सक्सेसफुली स्पेस मिशंस लॉन्च करके आ रहे हैं, वहीं हम हमारे एस्ट्रोनॉट्स को आर्टेमिस प्रोग्राम में रफू किए हुए पुराने स्पेस सूट पहनाएंगे तो दुनिया तो हमारा जम के मजाक बनाएगी। इसीलिए उन्होंने दूसरी प्राइवेट स्पेस कंपनीज को उनके लिए स्पेस सूट बनाने का मौका दिया, और अगर किसी कंपनी के स्पेस सूट नासा के टेस्ट को पास कर लेंगे तो नासा उनके साथ स्पेस सूट किराए पर लेने का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेगा। और स्पेस सूट बनाने की इसी रेस में सबसे आगे हैं एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स, जिन्होंने अपने स्पेस सूट डिजाइन करने की शुरुआत की थी साल 2015 में, जब उन्होंने हॉलीवुड कॉस्ट्यूम डिजाइनर होजे फर्नांडीज को हायर किया, जिन्होंने कई महीने तक काम करके ऐसा सूट डिजाइन किया जो दुनिया के बाकी स्पेस सूट से काफी पतला था। फिर ये डिजाइन इंजीनियर्स को दी गई ताकि वो इसे रिवर्स इंजीनियरिंग करके फंक्शनल बना सके। हालांकि आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि ये उस टाइप का स्पेस सूट नहीं है जिसे पहनकर एस्ट्रोनॉट स्पेस वॉक कर सकते हैं, बल्कि ये स्पेस सूट सफर के दौरान स्पेस क्राफ्ट के अंदर एस्ट्रोनॉट्स को जिंदा रखने के लिए बनाया गया है, जिसे IVA यानी कि इंट्राव्हीलर एक्टिविटी स्पेस सूट कहा जाता है। वहीं स्पेस वॉक के लिए इस्तेमाल होने वाले स्पेस सूट को EVA यानी कि एक्स्ट्रा व्हीलर एक्टिविटी स्पेस सूट कहा जाता है। वेल, जब आप स्पेस एक्स के इस सूट को बाकी स्पेस एजेंसीज के स्पेस सूट के साथ कंपेयर करोगे तो ये काफी पतला दिखेगा, मानो किसी साइंस फिक्शनल मूवी का कॉस्ट्यूम हो एकदम बढ़िया फिट सा, लेकिन असलियत में ये 100% वर्किंग कंडीशन में है। मगर सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार ये मुमकिन कैसे हुआ? जो नासा नहीं कर पाया वो स्पेस एक्स कैसे कर गया? तो स्पेस सूट काफी महंगे होते हैं, इसलिए दशकों से इसे वन साइज फिट बनाया जाता है, यानी 5 फुट का इंसान भी वही सूट पहनेगा जो 6.5 फुट का इंसान पहनेगा, बस उसकी स्लीव्स को चेंज किया जाता है ताकि उसकी उंगलियां ग्लव्स तक पहुंचे। लेकिन स्पेस एक्स ने एक कदम आगे बढ़कर हर एस्ट्रोनॉट की बॉडी के हिसाब से अलग अलग साइज का प्रेशर सूट बनाने का डिसीजन लिया, इसीलिए हमें ये काफी स्लीक लग रहा है। चलिए इसी तरह इजी लैंग्वेज में स्पेस एक्स के स्पेस सूट को नासा के स्पेस सूट से कंपेयर करते हुए इसकी और भी एडवांस क्वालिटीज को समझते हैं। तो स्पेस सूट डिजाइन करते वक्त जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो है मोबिलिटी, क्योंकि जब किसी भी स्पेस सूट को प्रेशराइज किया जाता है तो वो एक गुब्बारे की तरह फूल जाता है, और हवा का दबाव एस्ट्रोनॉट की बॉडी पर भी पड़ता है, इसीलिए वो अपने जॉइंट्स को ठीक से बैंड नहीं कर पाते हैं। पिछले कुछ सालों में इंजीनियर्स इसके लिए कई सॉल्यूशंस लेकर आए हैं, जैसे कि घुटने और कोहनी जैसे बड़े जॉइंट्स की मूवमेंट्स के लिए मैकेनिकल बेयरिंग के सपोर्ट का इस्तेमाल किया जाने लगा। वहीं फिंगर्स जैसे स्मॉलर जॉइंट्स के लिए रबर फ्लीट्स का इस्तेमाल किया जाने लगा, जो ग्लोव को बेंड करने में सपोर्ट प्रोवाइड करती है। लेकिन यहाँ एक और दिक्कत ये थी कि हर एस्ट्रोनॉट की बॉडी के जॉइंट्स सूट के जॉइंट्स के साथ इन लाइन में नहीं आते थे, जिससे उनका मोशन लिमिटेड हो जाता था, यानी कि अच्छे से नहीं हो पाता था। लेकिन स्पेस एक्स ने सबसे पहले हर एस्ट्रोनॉट के लिए कस्टम टेलर मेड सूट बनाया, जिससे नॉर्मल कपड़ों की तरह ही सूट और बॉडी के जॉइंट्स एक दूसरे के साथ लाइन में बने रहे,
जिससे हेड्स और लेग्स की मूवमेंट ज्यादा आसानी से हो सके। अब ट्रेडिशनल सूट्स की दूसरी प्रॉब्लम थी छोटी सी उंगली से प्रेशराइज्ड ट्यूब्स के अंदर फिंगर्स बैंड कर पाना। इसीलिए स्पेसएक्स ने रिस्ट्रेंट लेयर के साथ ग्लोव बनाए जिसमें क्रिस क्रॉस डिजाइन में हाई टेंशन लाइनिंग्स लगाई गई जिनकी मदद से एस्ट्रोनॉट अपनी हथेली को अंदर की तरफ आसानी से मोड़ सके और जब एस्ट्रोनॉट अपनी उंगली से प्रेशर रिलीज करें तो सूट के अंदर भरी हुई एयर का पुल उन्हें अपनी नॉर्मल पोजीशन पर वापस ले आए। ये ठीक वैसा ही है जैसे एक स्पाइडर यानी कि मकड़ी के पैरों की मूवमेंट होती है। दरअसल वो अपने पैरों को सिर्फ अंदर की तरफ मोड़ सकती है और जब काम खत्म हो जाता है तो उनसे प्रेशर रिलीज कर देती है जिससे उनकी बॉडी में मौजूद हाइड्रोलिक प्रेशर उनके पैरों को फिर से बाहर की तरफ खींच लेता है। स्पेस सूट की मोबिलिटी को इम्प्रूव करने का एक और तरीका ये था कि सूट के अंदर हवा ही कम कर दो। अब जहां पृथ्वी पर एयर प्रेशर अराउंड 100 किलो पास्कल होता है वहीं स्पेस सूट 25 से 30 किलो पास्कल प्रेशर वाले होते हैं। लेकिन स्पेसएक्स ने यहां भी एक कदम आगे बढ़कर अपने सूट के प्रेशर को थोड़ा बढ़ा दिया और 40 किलो पास्कल तक ले गए जो नासा की मैक्सिमम लिमिट थी क्योंकि इससे ज्यादा प्रेशर से एस्ट्रोनॉट को डीकम्प्रेशन सिकनेस भी हो सकती है। दरअसल पृथ्वी की हवा में 78% और 21% ऑक्सीजन है लेकिन स्पेस सूट में प्रेशर कम होने की वजह से एस्ट्रोनॉट्स को सफिशियंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती जिससे वो बेहोश भी हो सकते हैं। इसीलिए बाकी स्पेस सूट्स पहनने से पहले एस्ट्रोनॉट्स को कई घंटों तक ऑक्सीजन लेना पड़ता था या फिर सूट में ही ऑक्सीजन सिलेंडर का वजन उठाना पड़ता था। लेकिन स्पेसएक्स सूट एकदम कस्टम एयर मिक्सचर का इस्तेमाल करता है जिसमें नाइट्रोजन के मुकाबले ऑक्सीजन की अमाउंट ज्यादा होती है और ये जरूरत के हिसाब से बदलती भी है। अब प्रेशर और टेम्परेचर को मैनेज करने की इस टेक्निक से भी ज्यादा इम्प्रेसिव है इन्हें मैनेज करने का तरीका। आपने देखा होगा कि ट्रेडिशनल स्पेस सूट में कई वॉल्व्स और पाइप्स लगे होते हैं लेकिन स्पेसएक्स ने इन सभी को कंबाइन करके सिर्फ सिंगल पोर्ट में लगा दिया जिसमें एयर सर्कुलेशन के लिए एक छोटा सा होल है, एक पावर कम्युनिकेशन कनेक्टर है और तेजी से हवा भरने और निकालने के लिए एक पोर्ट है। इस तरह पाइप्स एंड वॉल्स को हटा देने से सूट का वजन और ज्यादा कम हो गया और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जहां एक ट्रेडिशनल स्पेस सूट का वजन 42 किलोग्राम होता है वहीं स्पेसएक्स के सूट का वजन सिर्फ 10 किलोग्राम है। यस, यहां तक कि एक ट्रेडिशनल सूट को पहनने में 30 मिनट से भी ज्यादा का समय और 2 से 3 लोगों के एक्सटर्नल सपोर्ट की जरूरत होती है वहीं स्पेसएक्स का सूट एस्ट्रोनॉट खुद अकेले ही पहन सकता है वो भी ज्यादा नहीं 5 से 7 मिनट में। क्योंकि जहां ट्रेडिशनल सूट में हेलमेट, ग्लव्स और हेडसेट्स को अलग से अटैच किया जाता है जिसके लिए कई भारी भरकम मैकेनिकल पार्ट्स भी लगाए जाते हैं वहीं स्पेसएक्स के प्रेशर सूट में हर चीज सूट के साथ ही अटैच्ड है और यही चीजें स्पेसएक्स के स्पेस सूट को नासा के ट्रेडिशनल स्पेस सूट से 10 गुना ज्यादा बेहतर बनाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा ताकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैटेगरी में हम इस अंडरडॉग चैनल को मशहूर बुलडॉग बना पाए। चलिए मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।